स्प्लिटिंग ऑफ टर्म सिंबल ऑफ डी वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या दे रखा है, सिर्फ डी वन दे रखा है। तो पहले तो हम टर्म सिंबल फाइंड आउट करेंगे, जो एल एस कपलिंग हमने पढ़ा था उसी जो रूल्स थे, जो एल एस कपलिंग में हमने रूल्स पढ़े थे उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं रूल्स के बेस पर हम टर्म सिंबल फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमें उस टर्म सिंबल को स्प्रेड करके दिखाना और एक एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डी वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो डी वन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है डी में फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा हुआ है। तो हमारे रूल्स क्या थे एल एस कपलिंग से टर्म सिंबल निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख लिया और हम यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करके, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारे प्लस वन प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है जो हमने मैक्सिमम वैल्यू शुरू करके लिखी है, यही हमें क्या देगी, एल की वैल्यू देगी, यही हमें L की वैल्यू देगी और L की वैल्यू से हमें टर्म सिंबल मिलेगा। हमें पता है पीछे पढ़ चुके हैं सारा, तो कंप्लीट टर्म से हमारा क्या होता है 2s प्लस वन एल ऑल जे, ठीक है। अभी हम अगर J भी नहीं निकालेंगे इसके लिए स्प्रेडिंग तब भी हम करा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमारे पास L देखो कितना निकला है, L इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिर्फ यहाँ पर है इसलिए एल का कितना वैल्यू हो जाएगा प्लस टू, ठीक है। और हमें पता है कि एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके लिए होता है S, P, D, F, G, H और I होता है। तो L की वैल्यू 2 है, टर्म सिंबल क्या होगा हमारे पास, D निकल के आ जाता है, ठीक है। D टर्म सिंबल D आ गया हमारे पास, हमें क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है इसकी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, S चाहिए। S क्या है हमारे पास, S था हमारा S इज इक्वल टू हाफ इन टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं हमारे पास, वन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू वन इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा निकल के, ठीक है। तो s कितना आया हमारे पास, हाफ निकल के आ गया। तो s निकल के आ गया तो हम लग दो इसमें वैल्यू में, जो फॉर्मूला है हमारा, इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख दो। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, s की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू हाफ प्लस वन, तो क्या हो जाए, दो से दो कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास, वन प्लस वन टू बचा जाएगा। तो टर्म सिंबल हमारे पास 2D निकल के आ जाता है। अभी हम D की ज़रूरत भी नहीं है, हम सिर्फ टर्म सिंबल D को निकाल के स्प्लिट करा के दिखा देंगे। तो अब हमारे पास टर्म सिंबल 2D निकल के आया और अभी हमने देखा है, पहले भी हम CFT में भी पढ़ चुके हैं कि जो D ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, कौन कौन से, T2G और EG में स्प्लिट होते थे। तो हमें क्या, ये भी 2D टर्म सिंबल निकल के आया, इसको भी हमें स्प्लिट करके दिखाना है और एक एनर्जी लेवल डायग्राम शो करके दिखाना है। तो हमने यहाँ क्या लिया, कुछ इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया और यहाँ हमें क्या है, ये D1 लिखा जो D1 से निकाला है। अब हमें किस में, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। पहले हम ऑक्टाहेड्रल कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में एक्चुअली हमें पता है, अभी हमने लिखा है कि भाई जो T2G है हमारा वो EG और T2G में कन्वर्ट होता है या स्प्लिट होता है, किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्ट्रेंथ में, ठीक है। एक चीज़ और याद होगा आपको, जब हमने CFT पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्ट्रेंथ में T2G की एनर्जी कम हुआ करती थी और EG की एनर्जी ज़्यादा हुआ करती थी। सेम भाई उसी की तरह हम यहाँ दिखा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, लो एनर्जी का ये हो जाएंगे हमारे T2G और हाई एनर्जी के ये EG, ठीक है। तो ये D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का जो D हमारे पास 2D टर्म सिंबल निकल के आया था, इस 2D टर्म सिंबल को ये D1 और ये 2D
2D टर्म सिंबल को हमने इस तरह से स्प्रेड करके दिखा दिया। किसमें है? ऑक्ट्राहेड्रल फेल स्ट्रेंथ में, ठीक है। अगर हम टेट्राहेड्रल में इसको बनाएं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल में हम सिर्फ ई और टी टू लिखते हैं, जी हट जाता है। जी क्या था, याद है किसी को? जी का मतलब क्या था? जीरड, जी फॉर जीरड, जीरड का मतलब था सेम सिमेट्री या सिमेट्री, ठीक है। तो जी का मतलब जीरड और जीरड का मतलब होता है जिनकी सिमेट्री सेम होती हो, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में ये जीरड वाला वर्ड हट जाता है, राइट। तो अगर हम टेट्राहेड्रल में देखें, ये तो हो ही क्या होगा। अच्छा, नोट भी करना है, नोट कर लो पहले। ऐसे हम टेट्राहेड्रल बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमने जब CFT पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था, जब हम CFT पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ देखा था कि जो एनर्जी थी इनकी +6 में बढ़ रही थी, +6, और इसकी इनकी -4 में घट रही थी, याद है। +6 DQ में इनकी बढ़ रही थी और -4 DQ में इनकी घट रही थी, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। टेट्राहेड्रल फील्ड स्ट्रेंथ में हम क्या करेंगे, ये फिर से D1 का है और ये 2D टर्म सिंबल करा दो बेस, ठीक है। तो यहाँ से ये इनकी एनर्जी हो गई कुछ इस तरह से, ऐसे इनकी हो जाएगी एनर्जी। सिमिलरली इनकी एनर्जी क्या होगी, अब क्या इसका उल्टा हो जाएगा, ये +4 में बढ़ेगी, ये कौन हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास T2G ऊपर आ जाएंगे और EG नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और इनकी -6 में घटेगी, -6 DQ में घटेगी, ठीक है। तो ये अब देखो क्या है, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ T2G लिख दिया है, जी कब आता है, टेट्राहेड्रल में आता है, ऑक्टाहेड्रल में आता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में हमारा जी नहीं आएगा, ठीक है। तो जी हट जाएगा, जी रेडियल, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल में और ये टेट्राहेड्रल में, ये T2 और ये E, ठीक है। जी टेट्राहेड्रल फील्ड स्ट्रेंथ में हम यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ सिमेट्री का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरह से ये हमारा टेट्राहेड्रल फील्ड स्ट्रेंथ में हो गया, टेट्राहेड्रल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस तरह से D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल ऑक्टा और टेट्राहेड्रल फील्ड में इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, इसी बेस पर हम D1 को आदर निकाल लिया, ऐसे ही D2, D3, D4, D5 इन सब का भी हम इस तरह से टर्म सिंबल निकाल कर उसको हम स्प्लिट करा सकते हैं। जो भी टर्म सिंबल आएगा उसको हम स्प्लिट करा सकते हैं और एक एनर्जी लेवल डायग्राम भी उसका बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे आगे ऑर्गल डायग्राम, इसी तरह के होते हैं, वहाँ पर भी हम जो टर्म सिंबल्स होते हैं, जो भी मेटल आयन हमें दे रखा होता है, कॉम्प्लेक्स आयन, उसका मेटल आयन से जो टर्म सिंबल निकल के आता है उसको हम इस एनर्जी लेवल पे ही शो करते हैं और उसकी स्प्लिटिंग स्टेट को दिखाते हैं, उन्हीं को हम ऑर्गल डायग्राम बेसिकली कहा जाता है।